नमस्कार दोस्तों, मैं हरिहर, आपको हमारा चैनल टॉके टॉपिक में स्वागत है। इसमें हम तमाम हफ्ते के बिजनेस अफेयर्स को देखेंगे, जिसमें मार्केटिंग, फिनांस, इकोनॉमी और शेयर मार्केट से प्रश्न लिया गया। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, चाहे वो CA, बैंकिंग और किसी भी एंट्रेंस की हो, ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला सवाल, हाल ही में टू व्हीलर मोटर्स कंपनी ने जनवरी 2000 तक की कीमतों में वृद्धि करने की घोषणा की, ये कौन सी कंपनी है? ये हीरो मोटोकॉर्प्स ने 2000 तक इसकी प्राइस में वृद्धि करेगी। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी फार्मा कंपनी ने CEO के रूप में भारत सेस को नियुक्त किया? ये सोलार एक्टिव फार्मा ने भारत सेस को अपना CEO के रूप में नियुक्त किया। अगले सवाल, हाल ही में कौन से स्वास्थ्य उत्पादों डॉक्टरों की सहायता के लिए पिनाची का शुभारंभ किया? ये PNG मतलब प्रॉक्टर एंड गैम्बल। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड ने अपनी चिकित्सा शिक्षा यात्रा में भारत के लिए वो जनरल एक्स डॉक्टर का समर्थन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पनाचे को लॉन्च करने की घोषणा की। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम के शुभारंभ किया? ये वॉलमार्ट ने अपने सप्लाई लेंडर के प्रोग्राम के तहत आपूर्तिकर्ता विकास का शुभारंभ किया। अमेरिका स्थित रिटेल प्रमुख वॉलमार्ट इंक्लूड ने सोमवार को 50,000 छोटे और मध्यम उद्यमिता को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का किस हिस्सा बनने में सक्षम बनाने के उद्देश्य में भारत में एक आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम का शुरू किया। अगले सवाल, हाल ही में क्यूट लगन और डस्टर इसके फादर ने डाइड है, वो कौन है? जन्नर डेटरवेट, वो रिनोल्ड के प्रोजेक्ट में काम करते थे। ये 23 साल में विदा लिया। अगले सवाल, हाल ही में ICICI बैंक ने नए सेवा केंद्र का किस देश में खोल दिया? ये बहरेन में। ये खबर इंडियाज का ब्रांड एम्बेसडर बहरेन आलोक कुमार ने सूचना दिया। अगले सवाल, हाल ही में विशाल सिक्का किस कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुए? हाल ही में विशाल सिक्का ये ओरेकल्स के डायरेक्टर में शामिल हुए। ये पूर्व इंफोसिस के CEO भी थे। अगले सवाल, हाल ही में विस्तारा ने किस कंपनी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ये एयर विस्तारा है, इसने लुफ्थांसा के साथ एग्रीमेंट में साइन किया। ये कोड शेयर के तहत पार्टनरशिप हुआ, वो भी जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा के साथ। अगले सवाल, हाल ही में कौन सा शब्द 2019 में गूगल ने खोज के शीर्ष में रखा है? ये बोथ चंद्रयान 2 एंड आर्टिकल 370। इसके बाद ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप तीसरा स्थान लिया। अगर मूवी की बात करते हैं तो कबीर सिंह और एवेंजर द एंड गेम टॉप
पर हैं। अगले सवाल, हाल ही में एडीवी 2019 में भारत की विकास के पूर्वानुमान में कौन सा प्रतिशत दिया है? ये 5.1% और ये आंकड़ा अगले साल 6.5% में होगा, यानी 2020 में। अगले सवाल, अमेज़न ने किस कंपनी के साथ स्मार्ट टीवी एडिशन को लॉन्च किया? ये ओनिडा के साथ अमेज़न ने स्मार्ट टीवी एडिशन का लॉन्च किया। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी बैंक वी विश्वनाथन को अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया? ये धनलक्ष्मी बैंक। ये स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद से 2070 में अवसर लिए थे। अगले सवाल, बजट 2020-21 का कब प्रेजेंट किया जाएगा? ये 2015-16 पहली बार शनिवार को बजट पेश किया जाएगा, ये 1 फरवरी में होगा। अगले सवाल, अगले भारतीय तेल निगम के प्रमुख कौन बनेंगे? ये श्रीकांत माधव वैद्य ने अगले इंडियन ऑयल के चीफ बनेंगे, ये पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड ने बताया। वैद्य अभी इंडियन ऑयल के डायरेक्टर इन फिनेंस में काम कर रहे हैं। अब इसका चीफ है संजीव सिंह। अगला सवाल, हाल ही में अशोक लेलैंड ने सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया? हाल ही में अशोक लेलैंड ने विपिन सोंढी को इसका एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया। ये एक ट्रक्स और बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके मतलब अशोक लेलैंड के इसके पहले विनोद देसारी थे मैनेजिंग डायरेक्टर। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी बैंक ने कार लोन लॉन्च किया अभी रिसेंट में? ये कर्नाटक बैंक ने कार लोन लॉन्च की। इसका नाम है केवीएल एक्सप्रेस कार लोन। ये एक डिजिटलाइज्ड वर्सन है वो कार लोन की। इसका एमडी है महाबलेश्वरम एमएस। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी बैंक त्रिनिदाद और टोबागो सब्सिडियरी बेचेगा? ये बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने मुफ्त उत्पाद ऐप सुनो जस्ट फॉर इंडिया लॉन्च किया? ये ऑडिबल ने सुनो जस्ट फॉर इंडिया लॉन्च किया। ऑडिबल एक विश्व के सबसे बड़ी म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनी है। ये एकदम फ्री है, इसमें रेस्टोरेंट रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगले सवाल, हाल ही में मूडी का कटौती भारत के जीडीपी विकास पूर्वानुमान 2019 के लिए कितनी प्रतिशत है? ये 5.6%। इससे पहले ये 6.6% का अनुमान किया था। अगले सवाल, हाल ही में कौन सी कंपनी युवा को काम करने के लिए 2 अभियान शुरू किया? ये उबर। इसने मिडिल क्लास के महिलाओं को टारगेट किया, वो भी बड़े इरादों की छोटी सवारी। ये मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई में शुरू हुआ।